हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुमार संजय एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्पेनिन। आई हैव बीन टीचिंग सॉफ्ट स्किल फॉर द लास्ट 30 इयर्स। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, जीडी, पीडी, पीआई। तो आज का जो क्लास है वो कम्युनिकेशन स्किल पर है, स्पोकन इंग्लिश पर है। ये क्लास उनके लिए है जो साधारण इंग्लिश बोल सकते हैं। साधारण इंग्लिश से मेरा मतलब क्या है? साधारण इंग्लिश से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। आपके बोलने में एक ही तरह के वाक्य बहुत ज्यादा आते हैं, एक ही तरह के शब्द बहुत ज्यादा आते हैं, और अब आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाह रहे हैं। तो अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या जरूरी है? तो अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरी है कि आप एक ही तरह के शब्द और एक ही तरह के वाक्यों का प्रयोग ना करें, कुछ नया नया प्रयोग सीखे। तो वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, यहां पर तीन एक्सप्रेशंस हैं। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी प्लीज। जब भी हम खुश होते हैं तो अंग्रेजी में ये तीन वाक्य बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज्ड। वेल, कैन यू गिव अदर वर्ड्स फॉर हैप्पी एंड प्लीज्ड? अब अच्छी अंग्रेजी बोलना हो तो हर बार ग्लैड, हैप्पी एंड प्लीज्ड हम क्यों यूज करें? क्या आप इन तीनों शब्दों के लिए कुछ दूसरे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग और क्या क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी थ्रिल्ड। ये दोनों का एक ही मतलब है, बहुत रोमांचित हूँ। आई एम एक्सटैटिक, मैं भाव विभोर हूँ। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन 7th क्लाउड, आई एम ऑन क्लाउड 9। ये तीनों का एक अर्थ है, मैं बहुत 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 खुश हूं, मैं 7वें आसमान पर हूं। और लास्ट है, आई एम क्वाइट चार्ज्ड अप, मुझ में जोश आ गया है। तो चलिए एक बार आप मुझे रिपीट कीजिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी थ्रिल्ड, आई एम एक्सटैटिक, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, I'm on 7th cloud, I'm on cloud 9, I'm quite charged up। I hope कि अब आपको याद हो गया होगा। और अभी just आपका मैं एक छोटा सा टेस्ट लेने जा रहा हूं, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको ये शब्द याद हुए कि नहीं हुए। देखिए, I'm very glad, I'm very happy, I'm very pleased, ये तीन एक्सप्रेशन तो हम पहले से जान रहे हैं, लेकिन ये तीनों एक्सप्रेशन के बाद, ये तीनों का मतलब हो कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन देखिए नीचे दो सेंटेंस, आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्लीज, मुझे बहुत खुशी होती है। ये दोनों का मतलब हुआ आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्लीज। अब आपका टेस्ट है ये कि आप हैप्पी एंड प्लीज के जगह आपने जो पहले जो शब्दों को सीखा है, जिन शब्दों को आपने तुरंत अभी सीखा है, आप उनको प्रयोग कर सकते हैं क्या? अगर आप कर सकते हैं तो मतलब आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, फुल क्रेडिट टू यू। नहीं सीखे हैं तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ साथ। आप बोलिए, आई फील वेरी एक्साइटेड, आई फील वेरी थ्रिल्ड, आई फील एक्सटैटिक, आई फाइंड माई सेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई फील क्वाइट चार्ज्ड अप। अब हम लोगों ने अब तक जितना सीखा उस पर स्पोकन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सिर्फ इन वाक्यों को याद कर लेने से तो बात नहीं बनेगी, इसको कैसे यूज करना है ये भी हमें जानना होगा। तो आगे इनका प्रयोग आ रहा है, जैसे लिखा हुआ, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन समवन प्रेजेस मी, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी कोई तारीफ करता है। आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई वॉच माई फेवरेट प्रोग्राम्स ऑन टीवी, जब मैं टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब एक काम आप कीजिए, आई फील वेरी हैप्पी से आप अपना 3 सेंटेंस बोलिए। नेक्स्ट, आई फील वेरी एक्साइटेड व्हेन आई गो फॉर एन आउटिंग विथ माय फ्रेंड्स, मैं बहुत रोमांचित महसूस करता हूं जब मैं अपने दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए जाता हूं। आई फील वेरी एक्साइटेड व्हेन आई वॉच T20 मैचेस इन स्टेडियम, मैं जब स्टेडियम में T20 मैचेस देखता हूं तो मैं अपने आप को बहुत रोमांचित महसूस करता हूं। तो उसी तरह से आई फील वेरी एक्साइटेड पर आपको 3 वाक्य बोलने हैं, अभी तुरंत नहीं क्योंकि मैं आगे भी पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन
जब ये सेट ओवर हो जाए उसके बाद आप हर एक्सप्रेशन पे आपको तीन तीन वाक्य बोलने हैं। तो आगे का देखिए आप, जैसे है आई फील वेरी प्लीज्ड व्हेन, आई फील वेरी एक्साइटेड व्हेन, आई फील वेरी थ्रिल्ड व्हेन, आई फील चार्ज्ड अप व्हेन, आई फील एक्सटैटिक व्हेन, आई फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन, एंड आई हैव टीयर्स इन माई आईज व्हेन। सिर्फ लास्ट वाला एक नया एक्सप्रेशन है कि मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वेल, अब आपको करना यह है कि इन सभी वाक्यों को पर आप अपना तीन तीन वाक्य बोलते जाएं। अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये वाक्य आपके अपने हो जाएंगे। कभी भी भविष्य में आपको बोलना मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत रोमांचित हूं, मुझे जोश आ गया है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी वाक्य यूं ही आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप उनका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये रहा आपका स्पोकन प्रैक्टिस। लेकिन सिर्फ बोलने से, सिर्फ रट जाने से भी बात नहीं बनेगी। अब एक काम करते हैं कि जब तक कि आप अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं तब तक आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे जीडी का दो टॉपिक दे रहा हूँ। इज इट राइट टू गो अब्रॉड, उसमें गो वर्ड छूट गया है। इज इट राइट टू गो अब्रॉड एंड सेटल डाउन, क्या विदेश जाकर बस जाना सही है। टीचर्स पेरेंट्स शुड बी फ्रेंडली और स्ट्रिक्ट, टीचर्स या पेरेंट्स को फ्रेंडली होना चाहिए कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। चलिए इन दोनों टॉपिक पर आप, अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनके साथ डिस्कस कीजिए, अगर नहीं है तो आप खुद ही बोलिए। एटलीस्ट जब आप अकेले बोलें तो 5 मिनट से कम मत बोलिए और दोनों साइड बोलिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा बोलने का जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी जो पढ़ा रहा था वो मेरी इस पुस्तक से है, स्पोकन इंग्लिश फॉर एवरेज लेवल लर्नर्स। जो स्टूडेंट्स एवरेज लेवल पर हैं ये किताब उनके लिए है। ये किताब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश पर मेरी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और सभी पुस्तकें आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस पे मिल जाएंगी। और वहाँ पे एक कोटेशन भी लिखा हुआ है, नथिंग प्रॉस्पर्स विदाउट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी प्रॉस्पर नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए तभी बात बनेगी। और एक फोटो आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी सिस्टर्स हैं, मिशनरी सिस्टर्स हैं, ये सभी प्रिंसिपल हैं। मैं इनका कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक सेमिनार मैंने कंडक्ट किया था, वो सेमिनार कंडक्ट कर रहा हूँ, उनका क्लास ले रहा हूँ। तो मैं इस तरह के बहुत सारे क्लास लेता हूँ जिसमें मैं डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट ऑफिसेस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मुझे इन्वाइट किया जाता है और मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर क्लासेस लेता हूँ। तो चलिए इतना आज के लिए काफ़ी है, खूब प्रैक्टिस कीजिए और जल्दी सीखिए। थैंक यू।